हिमाचल में 13 कोरोना पॉजिटिव, कांगड़ा में पिता पुत्र और 2 साल का मासूम भी संक्रमित। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में कर्फ्यू में ढील का समय बढ़ा, अब 14 घंटे तक होगी आवाजाही। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, तो वो भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहली खबर है, हिमाचल में 13 और कोरोना पॉजिटिव, कांगड़ा में पिता पुत्र और 2 साल का मासूम भी संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में आज रविवार को 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 कांगड़ा जिले से हैं और 4 सोलन और 1 कुल्लू से है। सोलन जिले में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को 258 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें यह 4 पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा कांगड़ा जिले के दाड़ी में 30 वर्षीय व्यक्ति, शाहपुर तहसील क्षेत्र का 51 वर्षीय व्यक्ति और उसका 17 साल का बेटा, नूरपुर तहसील क्षेत्र का 47 वर्षीय व्यक्ति और उसका 9 साल का बेटा, नूरपुर का 2 साल का मासूम बच्चा और खुंडिया तहसील क्षेत्र का 30 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। सभी 27 मई को दिल्ली से लौटे हैं। सभी को ज्वालामुखी में संस्थागत क्वारंटाइन किया गया था। मुंबई में माता पिता के साथ लौटा 6 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है, यह प्रौर में संस्थागत क्वारंटाइन था। और इसके अलावा जिला कुल्लू के निर्मल क्षेत्र का 65 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति दिल्ली से लौटा है, डीसी ऋचा वर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में कर्फ्यू में ढील का समय बढ़ा, अब 14 घंटे तक होगी आवाजाही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को जिलों के डीसी और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश में अब सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी, अब 14 घंटे तक आवाजाही की जा सकेगी, इस दौरान बिना पास के आवाजाही होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि रात 8 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कर्फ्यू रहेगा। और इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, तो वो भी जानकारी आपको बता दें। ये ऑफिशियल पीडीएफ फाइल आप एचपी बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले 10वीं कक्षा के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ जून इसमें बताया गया है। 10वीं कक्षा का रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। और इसके अलावा 12वीं कक्षा के बारे में बात की जाए तो जून एंड इसमें बताया गया है, जून के लास्ट वीक में 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।